हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी एमसीक्यू का फोर्थ टॉपिक करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम करेंगे। आज जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम कंप्लीट किया था और इस एनिमल किंगडम में हम आज कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आज हम एमसीक्यू करेंगे क्लासिफिकेशन के, सिमेट्री के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जर्मिनल लेयर, सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के अंदर हम प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटिहेल्मिंथीज, मेंथीज, एस्केल हेल्मेंथीज, एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ये सारे फाइलम हम कवर करेंगे। इन सभी फाइलम्स के हम जनरल इंट्रोडक्शन प्लस इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम आज करेंगे। इसके अलावा क्लास कॉन्ट्राइस्थिच, ऑस्ट्राइस्थिच, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइल, रेप्टीलिया, क्लास ईव, क्लास मेमेलिया, क्लास ईव, क्लास मेमेलिया और ये सारी चीज़ों के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज़ द साइंटिफिक मेथड इन विच ऑर्गेनिज्म आर अरेंज इन डिफरेंट और सेम टैक्सा अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। तो लास्ट क्लास में भी ये बात हो गई थी तो इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं कि क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग है। क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं डिफरेंट और सेम टैक्सा, या तो हम उन्हें किसी सिमिलर ग्रुप में डालते हैं या डिफरेंट ग्रुप में डालते हैं, किस बात के बेस पर, उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर। एनिमल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर शेप, फॉर्म, साइज, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पर, ये जो हम एनिमल का शेप देखेंगे, उसकी फॉर्म देखेंगे, साइज़ देखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो एक सेल से बना है, मल्टी सेलुलर सेल का बॉडी का बना हुआ है ना, या टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, या प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसकी बॉडी के अंदर, या सेलुलर लेवल पर है, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, ये चेक करेंगे। सिमिट्री देखेंगे कैसे, बायलेटरल है, रेडियल है, ओवल है। सीलोम की बात करें उसमें सूडोसिलोम है, ए सिलोमेटिक है, या सिलोम है भी है कि नहीं, ये बात भी चेक करेंगे कि प्रेजेंट है, एबसेंट है। और सेगमेंटेशन में क्या उसकी सुपरफिशियल सेगमेंटेशन है या मेटामिक सेगमेंटेशन है, ये चीज़ देखेंगे। सेगमेंटेशन का मीनिंग होता है कि बॉडी का डिवाइड होना, अगर बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से डिवाइडेड है तो वो होती है मेटामिक सेगमेंटेशन। और अगर बॉडी सुपरफिशियल यानी एक्सटर्नली डिवाइडेड है बॉडी बट इंटरनली पूरी बॉडी कॉमन है, कोई चैम्बर नहीं है, तो उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल सेगमेंटेशन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम्स एग्जिबिट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एनिमल्स, राइट, स्पंजेस आर मल्टी सेलुलर बट सेल्स आर फंक्शनल इंडिपेंडेंटली। तो ये हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से ग्रुप के मेंबर किस किस बेस पर डिवाइड किए गए हैं, तो लेवल देखना है क्योंकि बॉडी किस लेवल पर है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एनिमल किंगडम एग्जिबिट डिफरेंट लेवल है ना, अलग अलग लेवल्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अगर आप प्रोटोजोन कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर सारी एनिमल यूनिसेलुलर है। स्पंजेस के केसेस में अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर मल्टी सेलुलर है, लेकिन सारी सेल कैसी हैं, अलग अलग अपने अपने फंक्शन के लिए इंडिपेंडेंट है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। सिलेंड्रेटा की बात करें तो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अब कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स सेम हो गई, उनका फंक्शन, ओरिजिन है ना, टाइप सेम हो गया, तो वो टिश्यू लेवल पर आ गया। प्लैटिहेल्मिंथीज के अंदर देखेंगे तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम आर सीन इन द एनिलिडा। ऑर्गन सिस्टम में कहाँ देखने को मिलता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेट एंड कॉर्डेट्स। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि किसका किस में क्या मिल रहा है। यूनिसेलुलर बात हुई थी प्रोटोजोआ के अंदर, स्पंजेस के अंदर क्या मिल रहा है, मल्टी सेलुलर है बट सेल कैसी है, इंडिपेंडेंट है, सेम काम नहीं कर रही। सिलेंड्रेटा के अंदर क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही है। प्लैटिहेल्मिंथीज के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑर्गन लेवल सिस्टम। और आगे चलें तो इसके अलावा हमें एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाउंडरपेटा और कॉडेटा, इन सब के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ऑर्गन सिस्टम देखने को। ठीक, ऑर्गन सिस्टम ऑफ द ऑल फाइल एग्जिबिट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अलग अलग है। बात कर लें डाइजेस्टिव ट्रैक की, डाइजेस्टिव ट्रैक विद ओनली वन ओपनिंग इट इज़ कॉल्ड द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, फॉर एग्जाम्पल प्लैटिहेल्मिंथीज। बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बात है, जैसे हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग की तो हमारे अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है। कंप्लीट किस बात पर, ये बात पर डिपेंड करती है कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक एंट्रिंग पाउंड क्या बोलते हैं, एक एंट्रेंस है और एक एग्जिट है, दो उसमें ओपनिंग है ना, माउथ और एनस। अगर किसी भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हो गए तो वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग हो है ना, जिससे कोई चीज़ अंदर जाए और उसी से बाहर आ जाए,
वन ओपनिंग, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और एग्जाम्पल क्या, प्लेटल मंथिस। नेक्स्ट बात करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक हैज़ टू ओपनिंग, दैट इज इंटीरियर माउथ एंड पोस्टीरियर एनस, इज कॉल्ड द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, और जिसका एग्जाम्पल है एस्केल मेथिल टू कॉर्डेट्स। तो प्लेटल मंथिस जो है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल है, और उसके बाद जो एस्केल हेलमेंथीस से लेकर आगे कॉर्डेटा तक के जितने भी ग्रुप्स आते हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ऑर्थोपोड एंड मोलस्का एक्सेप्ट सेफेलोपोड। ओपन टाइप में मतलब क्या होगा कि जितने भी आपका जो फ्लूइड है बॉडी के अंदर सर्कुलेटेड, जो सर्कुलेशन सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो उसमें सारे के सारे ऑर्गन डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। क्लोज में क्या होगा कि वहाँ सर्कुलेशन का जो मीडियम है आपका लिक्विड जो भी है, चाहे वो ब्लड है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर वेन्स के अंदर, वेसल्स के अंदर ही फ्लो होगा। मीन्स आपका कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू, डायरेक्ट कोई भी सेल उस फ्लूइड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, तो उसे कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम। तो जो आपका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एग्जाम्पल आर्थोपोडा एंड मोलस्का, उसमें एक्सेप्ट सेफेलोपोड। और क्लोज टाइप में एनलिडा, सेफेलोपोडा एंड ऑल वर्टिबेटा, इसमें एनलिडा, सेफेलोपोडा और सारे के सारे वर्टिबेटा आएंगे, और इसके अंदर ऑर्थोपोडा से लेकर मोलस्का, लेकिन सेफेलोपोडा इसमें काउंट नहीं होगा। राइट, अब आगे बात करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज बेस्ड ऑन द विच करेक्टर्स, ए बी सी एंड ऑल। ऑप्शन डी इसमें सही है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री, एम्ब्रियोनिक लेयर एंड सीलोम्स, नोटोकॉर्ड एंड सेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उस बेस पर ही हम एनिमल की क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी वर्ड में, किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा उसका डिटेल दे सकता हूँ। राइट, अभी क्या कि हमें सिलेबस कम्प्लीट करना है और बहुत वाइड सिलेबस है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको सिर्फ मटेरियल देना है और चीज़ें आपको क्लियर हैं। राइट, कुछ भी आपको डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द फाइलम ऑफ विच एनिमल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहा है कि फाइलम ऑफ विच किस फाइलम के एनिमल्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटोजोआ, बाकी तो सारे मल्टी सेलुलर ही है। विच एनिमल फाइलम आर मल्टी सेलुलर बट पोजेस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलीफेरा। बिल्कुल सही है, पॉलीफेरा में स्पंज होता है, वहाँ सेलुलर लेवल की बात होती है क्योंकि सारी सेल इंडिपेंडेंट है। विच एनिमल फाइलम हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटल मंथीज। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, यहाँ पर प्लेटल मंथीज ही एक एग्जाम्पल है जहाँ पर ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। विच एनिमल फाइलम पोजेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ए बी सी एंड ऑल, एनालिडा एंड एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का एंड कॉर्डेटा। तो यहाँ पर उसने क्या बोला, हैव सिर्फ प्लेटल मंथीज है, यहाँ ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए बी सी एंड ऑल, एनलिडा एंड एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का एंड कॉर्डेटा। राइट, यहाँ आपको पूछ रहा है विच एनिमल फाइलम, और यहाँ पूछ रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल, यह ऑर्गन सिस्टम है, ये ऑर्गन लेवल है, दोनों में बात डिफरेंट है। यहाँ सिस्टम बन गया एक ऑर्गन का सिस्टम, राइट, बॉडी, तो वो आपको इन सभी में दिख रही है, एनलिडा, एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मतलब एनलिडा टू कॉर्डेटा सारे कवर होंगे, लेकिन वो पूछेगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सी होगी, प्लेटल मंथीज के अंदर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, विच एनिमल फाइलम पोजेस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, प्लेटल मंथीज, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग है। विच एनिमल फाइलम पोजेस कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, ए बी सी एंड ऑल, एस्केल हेलमिंथीस, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, ये सारे के सारे इसमें थे। जो प्लेटल मंथीज से पीछे वाले सारे किसमें, मतलब प्लेटल मंथीज किस में आ रहा है, इनकम्प्लीट में, और प्लेटल मंथीज से आगे जो सारे हैं एस्केल हेलमिंथीस, आर्थ्रोपोडा और एनालिडा, वो सारे के सारे किसमें आ रहे हैं, कंप्लीट में। विच एनिमल फाइलम पोजेस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्थ्रोपोडा। राइट, तो क्या कह रहे हैं, विच एनिमल फाइलम पोजेस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्थ्रोपोडा। विच एनिमल फाइलम पोजेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ए बी सी एंड ऑल, रेप्टिलिया, एनिलिडा, एम्फीबिया, ये सारे के सारे किस्में आते हैं आपके फाइलम क्लोज सर्कुलेटरी, और ओपन में कौन है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद जो भी आ रहा है, आर्थ्रोपोडा के बाद क्या होगा, एनिलिडा, रेप्टिलिया और एम्फीबिया, ये सब इसमें क्या होगा आपके क्लोज। इन विच एनिमल ब्लड प्रेशर इज हाई एंड रेगुलर, अर्थवर्म। प्रेशर कैसा होता है उसका, हाई, और कैसा होता है, रेगुलर। सेंटीपीड, कॉकरोच और पेरीपेटस में नहीं, सिर्फ किस में होता है ब्लड प्रेशर हाई और रेगुलर, अर्थवर्म में। अब बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री की बात करें, अकॉर्डिंग टू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एग्जिबिट थ्री टाइप ऑफ द सिमेट्री। तो वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो एनिमल जो है वो उसमें थ्री टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है। पहला है
ए सिमेट्रिक एग्जाम्पल है स्पंज, बायलेटरल सिमेट्रिक एग्जाम्पल है एनलिडा ऑर्थोपोडा, और रेडियल सिमेट्रिक एग्जाम्पल है सिलेंड्रेटा एगोनोडर्मा। देखो बहुत सिंपल है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बस आपको याद रखनी है, राइट। तो ए सिमेट्रिक का एग्जाम्पल कौन है? स्पंज है। ए सिमेट्री में जिसमें कोई सिमेट्री ना हो इसकी बॉडी, बायलेटरल सिमेट्री मतलब ऐसी एक ऐसा प्लेन जहाँ से अगर आप बॉडी को डिवाइड करो तो दो इक्वल मिरर इमेज में पूरी बॉडी डिवाइड हो जाए, तो ऐसा एग्जाम्पल इसमें किसमें आ रहा है? एनलिडा ऑर्थोपोडा। और रिडल सिमेट्री किसमें मिलती है? सिलेंड्रेटा एकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश इस एग्जाम्पल है, एकाइनोडर्मेटा में आती है स्टारफिश। तो रिडल सिमेट्री किस? सिलेंड्रेटा एंड एकाइनोडर्मेटा। इफ द बॉडी ऑफ द एनिमल डिवाइडेड इंटू टू इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट देन इट इज नोन एज अ बायलेटरल सिमेट्री, राइट। अभी बताया मैंने आपको, इफ द बॉडी ऑफ द एनिमल इज डिवाइडेड रेडियली इंटू मोर देन वन प्लेन देन इट इज नोन एज ए रिडल सिमेट्री। जैसे पेंटामेरस सिमेट्री होती है स्टारफिश के अंदर, स्टारफिश में क्या होता है? एक से ज़्यादा प्लेन है, बायलेटरल में सिर्फ एक ही प्लेन होता है, जैसे बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, बट इसके अंदर बॉडी को आप फाइव प्लेन से डिवाइड कर सकते हो। वेन प्लेन इज पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डज नॉट डिवाइड बॉडी ऑफ एनिमल इन टू इक्वल हाफ इज नोन एज ए एसिमेट्री। बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जर्मिनल लेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर एनिमल आर ऑफ टू टाइप्स, डिप्लोब्लास्टिक एग्जाम्पल सिलेंड्रेटा एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जाम्पल प्लैटिलामेंथीस टू कॉर्डेट। मीनिंग क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक मीनिंग जहाँ पर आपको सिर्फ दो ही लेयर मिले, कौन कौन से मिले? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन क्या है? ऐसे एनिमल जिनके अंदर आपको तीनों लेयर मिले, एक्टो, मीजो और एंडो, याद रखना। और ये भी याद रखना कि एक्टो और एंडो के सिक्रीशन से मीजोडर्म की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो विच फाइलम ऑफ द एनिमल पोजेसिस, अब ये याद यहीं याद कर लो कि आपके पास जो डिप्लोब्लास्टिक जो एग्जांपल है वो है सिलेंड्रेटा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एग्जांपल है प्लैटिलामेंथीस टू कॉर्डेट। विच फाइलम ऑफ द एनिमल पोजेस डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन? सिलेंड्रेटा। इन विच ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व फॉर फर्स्ट टाइम? प्लैटिलामेंथीस सबसे पहले देखने को मिली थी, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियोनिक लेयर एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेनी ग्रुप्स। तो एम्ब्रियोनिक लेयर की बेसिस पर हम एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। तो एम्ब्रियोनिक लेयर में दो बार, एक हो गया डिप्लो, एक हो गया ट्रिप्लो, तो दो टाइप में बांट सकते हैं। अब बात करते हैं हम सीलोम के बारे में। सीलोम का क्या होती है? सीलोम इज़ ए कैविटी लोकेटेड बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक वॉल एंड द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक वॉल के बीच में जो आपकी एलिमेंट्री कनाल है, वहाँ से लेके आपकी बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस है वो किसमें काउंट, कैविटी जो है वो किसमें काउंट होती है? आपकी सीलोम में। दिस कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म, राइट। तो अंदर से इसकी जो लेयरिंग है वो किससे बनी हुई है? म्यूजोडर्म की। एनिमल हैविंग सिलोम आर कॉल्ड द सिलोमेट, जिनमें मिलेगी वो सिलोमेट उनको कहेंगे। एग्जाम्पल एनिलिडा टू कॉर्डेट, तो एनिलिडा से लेकर जो कॉर्डेटा तक के जो काउंट होते हैं वो सब सिलोमेट है। इन द एनिमल ऑफ फाइलम एस्कलेंथीस म्यूजोडर्म इज प्रेजेंट हैज ए स्कैटर्ड पाउचेस। तो यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है म्यूजोडर्म के अंदर, सो इट इज़ कॉल्ड एज ए सूडो सिलोमेट एंड सूडो सिलोम एंड एनिमल इज कॉल्ड ए सूडो सिलोमेट, राइट। एनिमल डू नॉट पोजेस द सिलोम नोन एज ए सिलोमेट, एग्जाम्पल प्लैटिलामेंथीस। जहाँ ना ही ना मिले सिलोम एब्सेंट हो तो वो प्लैटिलामेंथीस है उसका एग्जाम्पल, और ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे ए सिलोमेट। जहाँ पर मिले बट वहाँ पर जो म्यूजोडर्म कंटिन्यूटी फॉर्म में नहीं है, स्कैटर्ड पाउचेस में आपको रिसीव हो, तो वहाँ पर हम बोलेंगे सूडो सिलोमेट, राइट। तो ऐसा एग्जाम्पल किसके हमें देखने को मिला है? एस्कलेंथीस के अंदर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, इफ एनिमल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंट इट इज नो कॉल्ड एज ए मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एग्जांपल एनलिडा और ऑर्थोपोडा। बिल्कुल सिंपल से ये तो याद रखना, याद रख सकते हो आपके मेटामेरिक सेगमेंटेशन एग्जांपल क्या है? एनलिडा एंड ऑर्थोपोडा। नोटोकॉर्ड की बात करें, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, डॉर्सली सिचुएटेड एंड रॉड लाइक ऑर्गन लोकेटेड फ्रॉम हेड टू टेल। इफ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एनिमल आर कॉल्ड द कॉर्डेट्स, पाइसिस एंड टू मैमल्स। तो पाइसिस से लेके फिशेस से लेके मैमल तक के सारे किसमें कॉर्ड होते हैं? नोटोकॉर्ड के अंदर। इफ नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट एनिमल आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, एग्जाम्पल प्रोटोजोआ टू एकाइनोडर्मेटा। अगर नहीं है तो उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे, और ये कहाँ से कहाँ तक है? प्रोटोजोआ से लेके एकाइनोडर्मेटा तक। तो जो नोटोकॉर्ड एक्चुअल में क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन होती है, और कहाँ होती है? डॉर्सली सिचुएटेड। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारा जो फ्रंट वाला फेस है वो किसमें काउंट होता है आपका? कौन सा होता है? वेंट्रल साइड। और जो बैक, जो हमारी बैक होती है वो होती है डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड पर हमारी क्या मिलती है हमें? नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड हम हायर एनिमल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है वर्टिबल कॉलम के अंदर, इस चीज़ को आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म? ए बी सी एंड ऑल, सीलोम, नोटोकॉर्ड एंड बॉडी कैविटी। तो इस चीज़ को याद रखें कि मेसोडर्म से क्या क्या बनती है? बॉडी कैविटी, नोटोकॉर्ड और सीलोम। विच फाइलम रिस्पेक्टिवली इंक्लूडेड टू ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट एंड सिलोमेट। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं, है ना, निकालने हैं इसमें। तो ए सिलोमेट है प्लैटिलामेंथीस, सूडो सिलोमेट है एस्कलेंथीस, और सिलोमेट है एनलिडा, एनलिडा टू कॉर्डेट्स। तो वो सारे किसमें आते हैं? सिलोमेट में। सूडो सिलोमेट में कौन आते हैं? एस्कलेंथीस। और ए सिलोमेट में कौन आते हैं? प्लैटिहेल्मिंथीस, राइट। आगे देखते हैं, विच एनिमल
फाइल नेम पोजेस मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो ए एंड बी डी ऑप्शन है इसका, एनिडा एंड ऑर्थोपोडा में क्या मिलेगी हमें, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। वो पहले बता दी मैंने, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है कि बॉडी जो आपकी है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से डिवाइडेड हो चैम्बर में, कंपार्टमेंट्स के अंदर। विच एनिमल फाइलम इज इंक्लूडेड इन ए सुलोमेट, तो किस फाइलम को आप इंक्लूड करोगे ए सुलोमेट के अंदर, ऑप्शन डी है ए बी सी एंड ऑल। तो प्रोटोजोआ, प्लेटिलमेंथीज और एकोनोडर्मेटा किस में आएंगे, ए सुलोमेट, यहाँ कोई आपको एबसेंट रहेगी, राइट। विच एनिमल फाइलम इज इंक्लूड इन सिलोमेट, तो ये चीज़ आप याद रखना कि उसने क्या बोला कि जो विच एनिमल इंक्लूड इन दी ए सुलोमेट, तो ए सुलोमेट आपका प्रोटोजोआ, प्लेटिलमेंथीज और एकोनोडर्मेटा। विच एनिमल फाइलम इज इंक्लूड इन सिलोमेट, ऑल पाइसिस एम्फीबिया और मैमल्स, सिंपल सी बात है, याद रखने वाली बात है। इन विच फाइलम एनिमल मीजोडर्म इज प्रेजेंट हैज ए स्कैटर्ड पाउचेस, तो वहाँ पर वो कौन है एग्जाम्पल इसका, मतलब ऐसे एनिमल जहाँ पर आपको मीजोडर्म कैसे मिले स्कैटर्ड में, तो वो क्या कहलाते हैं, सूडो सिलोमेट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि टोटल हमारा जो एनिमल किंगडम है उसको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोटिस्टा और मेटाजोआ। प्रोटिस्टा में जो फाइलम आता है उसे कहते हैं प्रोटोजोआ, सिंगुलर एक सेल के बने हुए, और दूसरा ये सब किंगडम, एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया, प्रोटिस्टा और मेटाजोआ। मेटाजोआ में सारे कैसे आते हैं, मल्टी सेलुलर, है ना। तो मेटाजोआ को हम आगे दो पार्ट में डिवाइड किया, पैराजोआ और यू मेटाजोआ। पैराजोआ के अंदर फाइलम आता है पॉरीफेरा, जिसमें स्पंज वगैरह आते हैं, और मेटाजोआ जो यू मेटाजोआ है उसको हमने आगे दो पार्ट में डिवाइड किया है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्यूप्लोब्लास्टिक। मतलब यहाँ पर आपकी क्या है, ये जर्म लेयर के बेसिस पर है, यहाँ पे एक्टो एंडो है, यहाँ पर एक्टो एंडो और मीजो तीनों लेयर मिलेंगी। तो डिप्लोब्लास्टिक में हमारा फाइलम आता है सिलेंड्रेटा, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में आगे कौन कौन आते हैं, ए सुलोमेट, सूडो सुलोमेट और सिलोमेट, राइट। ए सुलोमेट फाइलम में आता है प्लेटिलमेंथीस, सूडो सुलोमेट फाइलम में आता है एस्कलेलमेंथीस, और सिलोमेट में आगे हमारे पास सारे आ जाते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो ये चीज़ें बहुत याद रखने वाली बातें हैं और बहुत सिंपल है। तो ये हमारी बात होगी, आगे हम तो ये हमने ऊपर जो डिवाइडेशन की थी हमने, ये की थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, नीचे हमने ये जो फाइलम जो डिवाइड किया ये बात डिवाइड किया सिलोम के बेस पर। आगे हमारे पास ये आ गया कॉर्डेटा, तो ये तो सारे आ गए फाइलम, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकोनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, जो सारे कैसे हैं, सिलोमेट है ये सूडो, और सूडो सिलोमेट कौन है, एस्कलेलमेंथीस। ए सिलोमेट कौन है, प्लेटिलमेंथीस, और सिलोमेट कौन से हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकोनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा के अंदर आपके पास आगे तीन सब फाइलम में डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, राइट। वर्टिब्रेटा को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्नेथा और गनेथोस्टोमेटा। एग्नेथोस्टोमेटा में क्लास आई साइक्लोस्टोमेटा, और ग्नेथोस्टोमेटा को आगे सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया पाइसिस और टेट्रापोडा के अंदर, ये याद रखना, पाइसिस और टेट्रापोडा के अंदर। तो पाइसिस के अंदर दो क्लासेस आई, कॉन्ट्राइस्थिस और ऑस्ट्राइस्थिस, और टेट्रापोडा के अंदर हमारे पास आई एम्फीबिया, रेप्टीलिया, ईव और मेमिलिया क्लास। तो इनको हम एक एक करके सभी की जनरल क्लास करेक्टर्स देखेंगे और कुछ जनरल बातें इनकी समझेंगे, और साथ में इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो प्रोटोजोआ के बारे में बात करें, प्रोटोजोआ इज़ दी फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे पहला फर्स्ट किंगडम आता है। प्रोटोजोआ एनिमल्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर विद वन और मोर न्यूक्लियाई, एनिमल पोजेसेस वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्री, सिंपल सी बात है, क्योंकि स्फेरिकल है तो सिमेट्री भी बहुत तरीके की मिल सकती है। न्यूट्रिशन इज जनरली होलोजोइक, हेलोफाइटिक एंड सम एनिमल आर पैरासिटिक। लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म आर सूडोपोडिया, सेली और फ्लैजेला। एनिमल ऑफ दिस फाइलम रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्रोटोजोआ एम्फीबिया, यूग्लिना, ओपेलाइना और प्लास्मोडियम इसके एग्जांपल है। चलिए अब इस फाइलम के सबसे इंपॉर्टेंट हम एमसीक्यू देखते हैं प्रोटोजोआ के। तो द फर्स्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, विच एनिमल पोजेसिस वन और मोर न्यूक्लियाई, ए बी सी एंड ऑल, अमीबा, यूग्लिना और ओपेलाइना। तो इनमें एक या एक से ज़्यादा हमें क्या मिल सकते हैं, न्यूक्लियाई मिल सकते हैं सभी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द फाइलम प्रोटोजोआ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय विच मेथड्स, ए बी सी एंड ऑल, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और बडिंग, इन सभी के थ्रू ये कर सकते हैं। बाय लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म, तो इस चीज़ को आप याद रखें कि ये सारी चीज़ें आपने रटनी नहीं है, बस याद करनी है बार बार, ठीक। बार बार क्वेश्चन देखोगे आपको माइंड दिमाग में, देखो सारी चीज़ें आपको बेसिकली क्लियर है, बस थोड़ा सा रिकैपिटुलेशन करनी है आपने कि आपको वापस से ये याद आ जाए, है ना। विच लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑर्गनील्स अकर इन द प्रोटोजोन, ए बी सी एंड ऑल, सूडोपोडिया, सिलिया, फ्लैजेला, ये सारे के सारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय कंजुगेशन, तो वो आपको पता है ए बी सी एंड ऑल, ओपेलाइना, यूग्लिना और प्लास्मोडियम। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, कंजुगेशन करते हैं, इसमें पैरामीशियम भी आ सकता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम पोजेस ऑल टाइप ऑफ द सिमेट्री, प्रोटोजोआ के अंदर आपको सारे टाइप की सिमेट्री मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइलम पोरीफेरा की।
मल्टीसेलुलर एंड सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मीनिंग मैंने आपको पहले भी जब हम चैप्टर कर रहे थे तो डिटेल में वहाँ बताया था। सिसाइल का मीनिंग होता है जो मोशन लेस हो, एक ही जगह पर सबस्ट्रेट के साथ, जो आपका सबस्ट्रेटम होता है उसके साथ अटैच रहे। अगर जैसे सी है, सी के अंदर जो उसका बॉटम है, बॉटम में ही अटैच रहते हैं चुपचाप, कहीं मूवमेंट नहीं करते, राइट। तो पॉलीफेरा कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर सिसाइल एनिमल पोजेसेस बॉडी पोर्स, बॉडी के अंदर पोर मिलते हैं, एंड लाइव सॉलिटरी और कॉलोनियल, ये एक भी अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी फॉर्म में भी रह सकते हैं। ऑल एनिमल्स आर एक्वाटिक सीन इन द मैराइन वाटर एंड सम आर सीन इन द फ्रेश वाटर। द बॉडी ऑफ एनिमल इज एसिमेट्रिकल और रिडल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इट पोजेस मैनी ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या होते हैं, पोर को कहते हैं, कैनाल्स एंड चैम्बर्स कॉल्ड स्पॉन्जोसील विच ओपन इन ऑस्कुलम। क्वाइनोसेट लाइन द स्पॉन्जोसील इट इज यूनिकनेस, ऑल स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली सेक्सुअली एंड शो पावर ऑफ रीजनरेशन। द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड ड्यूरिंग दिस एम्फीब्लास्टुला और पैनकाइमुला लार्वा आर सीन। तो याद रखें कि जो आपका पॉरीफेरा उसके लार्वे का नाम क्या है, एम्फीब्लास्टुला या पैनकाइमुला लार्वा, और ये इंडायरेक्ट, इंडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, जब आपकी लाइफ साइकिल के अंदर लार्वा बने। अगर आपकी लाइफ साइकिल के अंदर लार्वा नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट, जैसे हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं, हमारे लार्वा नहीं बनता एम्ब्रियोलम स्टेज के अंदर, सिर्फ लार्वा डायरेक्ट बॉडी की फॉर्मेशन होती है जायगोट से, ठीक। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलोनिया, हाइलोनीमो और स्पॉन्जिनिला इसका एग्जाम्पल है। तो विच ऑफ द एनिमल फाइलम बॉडी पोजेस ऑस्टिया, कैनाल्स, चैम्बर्स एंड ऑस्कुलम। तो एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। द एंडोस्केलेटन ऑफ द पॉरीफेरा इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस, ऑप्शन डी सही है इसका, ए और सी, स्पॉन्जिन फाइबर और कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी ऑप्शन ए और सी सही है इसका, स्पॉन्जिन फाइबर और डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिक्यूल। तो स्पिक्यूल और फाइबर्स का बने होते हैं इसका एंडोस्केलेटन। विच टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन अकर इन द हाइलोनीमा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय विच स्ट्रक्चर, क्वाइनोसाइट्स। विच एनिमल इंक्लूड इन फाइलम पॉरीफेरा, ए बी सी एंड ऑल, ल्यूकोसिलोनिया, हाइलोनीमा और स्पॉन्जोसीला में आपको क्या मिलेगा, किसमें इंक्लूड होते हैं, पॉरीफेरा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेंड्रेटा की। सिलेंड्रेटा आर डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, रेडिली और बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और पोजेसेस द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल एनिमल इज आर एक्वाटिक, एनिमल आर सीडेंट्री और फ्री स्विमिंग, सॉलिटरी और कॉलोनियल। दे आर हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, विद सिंगल ओपनिंग हाइपोस्टोम विच सराउंडेड बाय टेंटिकल, विच प्रोसेस नेमेटोसाइट्स, ये सेल्स होती है स्पेशल टाइप की, जैसे उसमें पिछले पॉलीफेरा के अंदर आपने क्वाइनोसाइट सेल्स पढ़ दी, यहाँ पे मिलती है नेमेटोसाइट सेल्स। टेंटिकल हेल्प टू कैप्चर फूड एज वेल एज फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। सिलेंड्रेट अकर इन टू फॉर्म, पॉलिप एंड मेडूसा, ये इसकी विशेष करेक्टर होता है, यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है, इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्ट्रक्चर मिलते हैं पॉलिप और मेडूसा। सम स्पीशीज शो पॉलीमॉर्फिज्म, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग एंड फिश एंड वाइल, एसेक्सुअली बाय ओवम एंड स्पर्म, सॉरी सेक्सुअली बाय ओवम एंड स्पर्म। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड प्लैनुला लार्वा आकर्स, यहाँ हमें क्या मिलता है, प्लैनुला लार्वा। एग्जाम्पल हाइड्रा, सी एनीमोन और जेली फिश और कोरल। तो सिलेंड्रेटा से रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल याद रखें कि सिलेंड्रेटा का एग्जाम्पल कौन, हाइड्रा, सी एनीमोन, जेली फिश और कोरल रीफ, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल आते हैं आपके सिलेंड्रेटा के अंदर। तो विच इज द डिप्लोप्लास्टिक एनिमल इन फाइलम, सिलेंड्रेटा। विच टाइप ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस बाय द फाइलम सिलेंड्रेटा, टिश्यू लेवल। द टेंटिकल आर रिलेटेड विद विच फंक्शंस, ए बी सी एंड ऑल, टू कैप्चर फूड, फॉर ऑफेंस, फॉर डिफेंस। विच टाइप ऑफ द फॉर्म्स अकर इन द सिलेंड्रेट रिस्पेक्टिवली फॉर ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिप और मेडूसा। तो ये दोनों ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, पॉलिप करता है ए सेक्सुअल में और मेडूसा करता है आपका सेक्सुअल में। द जेली फिश प्रोसेसिस विच टाइप ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मेड्यूसा। नेक्स्ट बात करते हैं प्लैटिलमेंथीज के बारे में। प्लैटिलमेंथीज आर द फर्स्ट ट्रिपल प्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्रिकल, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट, ए सुलोमेट एनिमल्स। एनिमल आर एंडोपैरासाइट, दे फॉर्म एक्सटर्नल हुक्स और सकर्स, और बोथ आर प्रेजेंट एट टू अटैच होस्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, ब्रांच विदाउट एनस। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल एंड कैनाल्स। सक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल टेपवर्म, लिवर फ्लोक और प्लेन एरिया। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट फाइलम पोजेसिस ट्रिपल प्लास्टिक एसुलोमेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्लैटिलमेंथीज। विच फाइलम पोजेसिस ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्लैटिलमेंथीज का एग्जांपल है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच फाइलम पोजेसिस इनकम्प्लीट ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम विदाउट एनस, प्लैटिलमेंथीज, ऑप्शन सी। फ्लेम सेल्स रिलेटेड विद विच फंक्शंस, ऑप्शन डी सही है, एक्सक्रीशन। विच फाइलम आर एंडोपैरासिटिक फाउंड इन ह्यूमन, एनलिडा। बहुत सिंपल सी बात है कि विच फाइलम आर एंडोपैरासाइट फाउंड इन ह्यूमन, एनलिडा, सॉरी ऑप्शन डी, वेरी सॉरी ऑप्शन डी। प्लैटिलमेंथीज के जितने भी एनिमल्स आएंगे इस फाइलम के अंदर, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट, मतलब बॉडी के अंदर रहने वाले।
नेक्स्ट बात करते हैं फाइलम एस्कल हेलमिंथीज के बारे में। एस्कल हेलमिंथीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट बाइलेटरल सिमेट्रिकल विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनेशन। डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होता है इसका? कंप्लीट एक्सक्रीशन थ्रू ब्रांच्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। ये इसकी बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, दैट इज वी वेरियस एनिमल। एग्जाम्पल है एस्कैरिस और बोचीरिया। ये किसके एग्जाम्पल है? एस्कल हेलमिंथीज के। तो उसके एमसीक्यू देख ले। इन एनिमल किंगडम विच फाइलम इज इंक्लूड इन सूडोसिलोमेट? एस्कल हेलमिंथीज। इन विच फाइलम द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑब्जर्व फर्स्ट? एस्कल हेलमिंथीज। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोचीरिया इज विच टाइप ऑफ एनिमल? यूनिसेक्सुअल। इस याद को याद रखें कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोचीरिया हैज ए यूनिसेक्सुअल। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन एस्कैरिस इज इंक्लूड एज ए विविपेरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आएंगे बस, तो इन चीज़ों को आप याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं एनेलिडा। तो एनेलिडा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल, पोजेस बाइलेटरल सिमेट्री एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होते हैं। मोस्टली एक्वाटिक होते हैं एंड सम आर टेरेस्ट्रियल, बुरोइंग और ट्यूबिकुलस। बुरोइंग मतलब ज़मीन के नीचे गड्ढा बना के रहने वाले, वो भी बॉटम में, सी बॉटम के अंदर। फ्री लिविंग एंड ओकेजनली पैरासाइट। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीटी और पैरापोडिया। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। नेफ्रिडी आर प्रेजेंट, हैज एन एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स। ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो बॉडी के अंदर वाटर की बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। नर्वस सिस्टम इज विद पेयर्ड सेरेब्रल गैंग्लिया एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है इसमें। एनिमल आर यूनिसेक्सुअल, नेर इज बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल अर्थवर्म। अगर आप यूनिसेक्सुअल एग्जाम्पल देखना है तो नेरिस है, बाइसेक्सुअल का देखना है तो अर्थवर्म है। लीच रिप्रोडक्टिव बाइसेक्सुअल मेथड, एग्जाम्पल अर्थवर्म, लीच एंड नेरिस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम ट्रू बॉडी कैविटी ऑब्जर्व्ड इन विच फाइलम? एनलेडा। फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्जर्व्ड इन विच सिलोमेट इनवर्टिब्रेट फाइलम? ऑप्शन ए एनलेडा। विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, हैज एन एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इन एनलेडा? नेफ्रिडिया। नेक्स्ट, वेयर डज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन लीच ब्लड प्लाज्मा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर। विच वन ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म? सीटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज इंक्लूडेड इन द मोनोशियस? ए बी सी ऑल। अर्थवर्म, लीच और लिवर फ्लूक। ये सारे कैसे होते हैं? मोनोशियस। मोनोशियस मीन जहाँ पर आपको मेल और फीमेल एक ही इसमें मिले, तो अर्थवर्म, लीच एंड लिवर फ्लूक। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम्स ऑब्जर्व्ड इन द विच फाइलम? सिलेंट्रेटा। तो ये भी चीज़ याद रखना कि नर्वस सिस्टम सबसे पहले कहाँ मिला? सिलेंट्रेटा के अंदर। नेक्स्ट बात करें आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एंड हैव बाइलेटरल सिमेट्री। एनिमल पोजेस जॉइंटेड अपेंडेज, इनकी सबसे स्पेशल क्वालिटी है। इन विच बॉडी इज डिवाइडेड टू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन। हेड एंड थॉरेक्स फ्यूज टू फॉर्म इट्स फेलोथॉरेक्स। तो इनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन, जिसमें से हेड और थॉरेक्स फ्यूज होते हैं, और इस फ्यूज स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेफेलोथॉरेक्स। सेंसरी ऑर्गन कंप्राइजेस ऑफ सिंपल और कंपाउंड आई, कीमो एंड टैक्टाइल रिसेप्टर, स्टेटोसिस्ट एंड ऑडिटरी ऑर्गन्स। एंडोस्केलेटन इज काइटिनस एंड शेड्स एट इंटरवल्स। इसे कहते हैं एक्डाइसिस, मतलब बार बार टाइम टू आफ्टर इंटरवल, कुछ टाइम के बाद जो बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन है वो गिर जाए, है ना, क्योंकि बॉडी बड़ी हो रही है तो पुराना वाला एक्सोस्केलेटन छोड़ना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्डाइसिस। डाइजेस्ट सिस्टम इज कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफन टाइप, रेस्पिरेशन अकर बाय बॉडी सरफेस, गिल, ट्रेकी एंड बुक लंग्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर ग्रीन ग्लैंड और मेलफिगिन ट्यूबुल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं। दे आर यूनिसेक्सुअल एनिमल एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओवीपेरस, ओवीपेरस एनिमल्स होते हैं। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सम ऑफ देम एग्जिबिट पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में जहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना हो, डायरेक्ट ही फीमेल गैमिट से बॉडी की फॉर्मेशन हो जाए। एग्जाम्पल है पेरीपेटस, क्रैब्स, स्कॉर्पियन, प्रॉन, सेंटीपीड और कॉकरोच के एग्जाम्पल हैं। इंपॉर्टेंट इसके हम एग्जाम्पल देख लें। तो विच फाइलम शोज एक्डाइसिस? आर्थ्रोपोडा। विच इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द आर्थ्रोपोडा? ग्रीनलैंड्स। विच फाइलम पोजेस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? ए एंड बी, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। विच इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोडा? ए बी एंड सी ऑल, गिल, बुक लंग और ट्रैकिया। तो ये चीज़ वो याद रखें, आपसे ऑप्शन पूछ सकते हैं कि ऑर्थोपोडा में किसके थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन होते हैं, तो गिल, बुक लंग एंड ट्रैकिया। नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट एमसीक्यू, इन फाइलम ऑर्थोपोडा एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस? काइटीन. ऑर्थोपोडा इज विच टाइप ऑफ द एनिमल रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन? बी एंड सी, ओवो वीवी पेरस और ओवी पेरस. याद रखना इसको, ओवो वीवी पेरस और ओवी पेरस, नॉट वीवी पेरस. ये याद रखना, वीवी पेरस नहीं है, ओवी पेरस और ओवो वीवी पेरस. विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम? आर्थ्रोपोडा. सबसे बड़ा कौन है? आर्थ्रोपोडा. अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट फाइलम की, मोलस्का. एनिमल इंक्लूड इन मोलस्का आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बायलेटरल, स्मिटी एंड अनसेगमेंटेड. सॉफ्ट बॉडीज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. मेजोरिटी एनिमल आर एक्वाटिक एंड सम आर टेरेस्ट्रियल. मेंटल कैविटी इज लोकेटेड बिटवीन द बॉडी वॉल एंड मेंटल. ये भी रखने वाली बात कि जो मेंटल कैविटी है वो किसके बीच में? बॉडी वॉल और मेंटल के बीच. इन मेंटल फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट विच एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड एनिमल हैव ए रेडुला इन माउथ. रेडुला क्या होता है? टीथ की तरह काम करते हैं. विच हेल्प इन द ग्राइंडिंग फूड. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफन टाइप एंड एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू किडनी. दे आर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. एग्जाम्पल काइटन, पाइला, डेंटेलियम, पियर लॉस्टर, पर्ल, ऑयस्टर, सीपिया और ऑक्टोपस. एक एग्जाम्पल है. अब इसके कुछ एमसीक्यू देख लें. विच फाइलम पोजेसेस मेंटल कैविटी? एनेलिडा. विच इज फंक्शन ऑफ द रेडुला? ग्राइंडिंग ऑफ द फूड. विच इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मोलस्का? किडनी. इन फाइलम मोलस्का एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस? कैल्शियम कार्बोनेट. अब बात करते हैं एकोन्ड्रोमेटा की. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन. सिंपल सी बात है. एनिमल आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. दे पोजेस वाटर वेस्कुलर सिस्टम ऑफ सिलोमिक ऑरिजिन इंक्लूडिंग ट्यूब फिट फॉर लोकोमोटरी फंक्शन. वाटर वेस्कुलर सिस्टम आल्सो कंसर्न विद द रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन. डाइजेस्ट सिस्टम इज कंप्लीट. एनिमल आर यूनिसेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वा. दे पोजेस रीजनरेशन पावर. एग्जाम्पल स्टार फिश, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकम्बर और ब्रिटल स्टार. ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं एकोन्ड्रोमेटा के. चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं. विच फाइलम शोज रेडियल सिमेट्री? एकोन्ड्रोमेटा. विच फाइलम पोजेस वाटर वास्कुलर सिस्टम? एकोन्ड्रोमेटा. तो वाटर वास्कुलर सिस्टम कहाँ मिल रहा है? एकोन्ड्रोमेटा के अंदर. और वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ मिलता है आपको? पॉरीफेरा के अंदर, वो भी स्पंज में. और ये है वाटर वास्कुलर, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना. ये है वाटर वास्कुलर सिस्टम और वो है वाटर कैनाल सिस्टम. वॉट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब फीट? लोकोमोशन हेल्प करती है. वाटर वास्कुलर सिस्टम इज रिलेटेड टू विद फंक्शन ए बी सी एंड ऑल. रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन. देखो सारी चीज़ों में हेल्प कर रही है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन के अंदर. विच एनिमल पोजेस डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एंड डाइजेस्टिव डक्ट इज स्ट्रेट और कॉइल्ड? ऑप्शन ए बी सी एंड ऑल. सी कोकम्बर, ब्रिटल स्टार और सी लिली. इन सब के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी स्ट्रेट होता है और कॉइल्ड भी हो सकता है. तो नेक्स्ट बात करते हैं हेमिकोडेटा के अंदर फाइलम. हेमिकोडेटा आर द यूजली प्रिमिटिव कॉर्डेट्स. ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स मतलब कॉर्डेट जो पुराने टाइप के हैं ना, स्टार्टिंग वाले. अभी इवॉल्व हो रहा है क्योंकि एवोल्यूशन चल रहा है. एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपको पता है? प्रोटोजोआ से, है ना. वहाँ से स्टार्ट हुए थे, सीधे सीधे यहाँ तक पहुँचे. तो हेमिकोडेट आर यूजली प्रिमिटिव क्रोडेट्स, यानी कि इनवर्टिब्रेट क्रोडेट्स है. दे आर वर्म लाइक अनसेगमेंटेड. वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या फ़र्क होता है वो आगे हम देखेंगे. तो दे आर वर्म लाइक अनसेगमेंटेड होते हैं, है ना. बायलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिपल प्लास्टिक, हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन. एक्सक्लूसिवली मैराइन, सोलिटरी और कॉलोनियल एंड मोस्टली ट्यूबरकुलस एनिमल्स होते हैं. सिलिंड्रिकल बॉडीज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक के अंदर. डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट, स्ट्रेट और यू शेप हो सकती है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप. एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय सिग्नल प्रोबोसिस ग्लैंड विच इज कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स एंड रेस्पिरेशन अकर थ्रू गिल्स. एनिमल आर अ यूनिसेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रू फ्री स्विमिंग. टॉर्नरी लार्वा यहाँ प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल ब्लेनोग्लॉसिस. तो विच फाइलम इज इंक्लूडेड इन प्रिमिटिव कॉर्डेटा? हेमिकोडेटा. द एक्सक्रीशन अकर हेमिकोडेटा बाय विच स्ट्रक्चर? प्रोबोसिस. इन विच इनवर्टिब्रेट कॉर्डेटा एनिमल्स क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑब्जर्व? ब्लेनोग्लॉसिस. विच टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इज ऑब्जर्व इन द हेमिकोडेटा? ए एंड सी. कंप्लीट भी होगा प्लस स्टेट ऑफ यू शेप, है ना. विच टाइप ऑफ द लार्वा इज ऑब्जर्व इन द हेमिकोडेटा? टॉर्नेरिया लार्वा मिलता है आपको हेमिकोडेटा के अंदर. द बॉडी ऑफ ब्लेनोग्लॉसिस डिवाइड इन टू विच पार्ट्स? ए बी एंड सी ऑल. प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक. तो यहाँ पर जो डिवाइडेशन मिलेगी आपको वो ब्लेनोग्लॉसिस के अंदर वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक के अंदर. प्रोबोसिस हेड रीजन होता है. प्रोबोसिस और ट्रंक को ज्वाइंट करने वाला जो रीजन होता है उसे कहते हैं कॉलर. नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉर्डेटा के अंदर. एनिमल पोजेसिस नॉट अ कॉर्ड कॉल्ड कॉर्डेटा. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एंड पोजेस बायलेटरल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज और बोन, राइट. तो यहाँ पर जो स्केल्टन है वो किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का भी बन सकता है या बोन का भी. पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट लाइफ लॉन्ग और ड्यूरिंग द सम स्टेज ऑफ लाइफ. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट.
एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। सिंपल सी बातें, सारी चीज़ें आपको याद है तो सिर्फ आप रिविजन कर रहे हो। दे आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड टू थ्री सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा नॉटोकॉर्ड इज सीन ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज, याद रखने वाली बात है। ओनली एंड एनिमल आर मेराइन, एग्जाम्पल एसिडिया और सल्पा। सेफालोकॉर्डेटा नॉटोकॉर्ड प्रोसिस्ट ड्यूरिंग द होल लाइफ स्पैन एंड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, एग्जाम्पल एम्फियोकस। वर्टिब्रेटा नॉटोकॉर्ड इज मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम एट द एडल्ट स्टेज, बॉडी इज डिवाइडेड टू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। सिंपल सी बात है, तो यह याद रखना कि यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में क्या फर्क है। यूरोकॉर्डेटा में जो आपको नर्व नोटोकॉर्ड मिल रही है वो ड्यूरिंग लार्वल स्टेजेस में मिलती है, सेफेलोकॉर्डेटा में थ्रू आउट लाइफ मिलेगी हेड टू टेल तक, और वर्टिब्रेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो गई है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो उसके एमसीक्यू देख लेते हैं। द एंडोस्केलेटन ऑफ द कॉर्डेट मेड अप ऑफ विच सबस्टांस, कार्टिलेज और बोन। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब फाइलम्स, थ्री। एसिडिया इंक्लूड इन विच सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा। एम्फियोकस इंक्लूड इन विच सब फाइलम, सेफेलोकॉर्डेटा। इन वर्टिब्रेट एनिमल बॉडी डिवाइडेड टू हाउ मेनी पार्ट्स, फोर। इन विच फाइलम नर्वस सिस्टम इज हॉलो, सिंगल, डॉर्सल, विदाउट गैंगलिया, कॉर्डेटा। तो सिंपल सी चीज़ें और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, एनिमल ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन द फिशेज ड्यूरिंग द एडल्ट स्टेज, जॉज आर एबसेंट, माउथ इज एंटीरियो वेंट्रल, पोजिशन इसकी एंटीरियो वेंट्रल, सर्कुलर एंड सेक्टोरियल। स्किन इज विदाउट स्केल, कंटेन यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स, इंटरनल स्केलेटन इज फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप, रेस्पिरेशन अकर बाय गिल स्लिट्स, वन पेयर ऑफ किडनी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, दे आर मेराइन बट रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्रेश वाटर, लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन, एग्जाम्पल लैम्प्रे एंड हैंक फिश, इसके एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा में। तो विच एनिमल आर इंक्लूडेड द एगेनेथा, साइक्लोस्टोमेटा, लैम्प्रे एंड हैंक फिश। इन विच फाइलम रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्रेश वाटर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन, साइक्लोस्टोमेटा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इन विच क्लास स्किन इज विदाउट स्केल, कंटेन यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स, ए एंड बी, एम्फीबिया एंड बी, साइक्लोस्टोमेटा। विच एनिमल पजेस टू चैम्बर्ड हार्ट, ए बी सी एंड ऑल, शार्क, लैम्प्रे और सी हॉर्स। तो याद रखना टू चैम्बर्ड हार्ट किसका होता है, शार्क, लैम्प्रे और सी हॉर्स। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राइस्थिश और ऑस्ट्राइस्थिश, ये क्लासेस हैं फिशेज की। तो कॉन्ट्राइस्थिश का हैबिट और ऑस्ट्राइस्थिश की दोनों को हम कॉमन देख लेते हैं। तो ये मेराइन होते हैं, ये फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों हो सकती हैं। इनकी स्केल प्लेकोइड है, यहाँ पर साइक्लोइड और टीनोइड तीनों टाइप के, दोनों टाइप के मिलते हैं। इनकी कॉडल फिन हिट्रो सर्कल होता है, इनका होमो सर्कल होता है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है, यहाँ बोन का बना है। माउथ यहाँ पे इंटीरियर वेंट्रली होता है, ये इंटीरियर होता है ऑस्ट्राइस्थिश में। गिल्स 5 to 7 पेयर होते हैं या 4 पेयर्स होते हैं। हार्ट यहाँ पर टू चैम्बर्ड होता है या टू, यहाँ भी टू चैम्बर्ड है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ये ओवीपेरस ओवीपेरस होते हैं, ये सिर्फ ओवीपेरस होते हैं। एग्जाम्पल है शार्क और रे फिश, और ये क्या है, सी हॉर्स, लेबियो और कैटला, ये सारे कैसे हैं ऑस्ट्राइस्थिश है। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एमसीक्यू। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ द कॉन्ट्राइस्थिश एंड ऑस्ट्राइस्थिश मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ द सेल, ए एंड बी। तो जो कॉन्ट्राइस्थिश है उसका प्लेकोइड स्केल से, और जो ऑस्ट्राइस्थिश है उसका साइक्लोइड का बना होता है, राइट। विच फिश पजेस कॉडल फिन हेट्रो सर्कल, शार्क। इन विच क्लासेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इंक्लूड ओवीपेरस एनिमल्स, ए एंड बी। तो ऑस्ट्राइस्थिश एक्सटर्नल और एम्फीबिया, राइट। तो ये कैसे होते हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इज एक्सटर्नल एंड इंक्लूड्स ओवीपेरस। तो दोनों में ऐसा होता है ऑस्ट्राइस्थिश और एम्फीबिया के अंदर। इन विच एनिमल एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, लेबियो और कार्टिला के अंदर बोन का बना होता है। इन सी हॉर्स माउथ ओपन एट विच साइड, इंटीरियर साइड। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया लिव इन वाटर एंड ऑन हैंड, हेंस दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। दे आर टेट्रापोड, टेट्रापोड मीन्स इसमें चार आपको, मतलब टेट्रापोड मतलब ऊपर, जैसे हमारे यहाँ बॉडी के अंदर हिंड कहते हैं अपनी, आपके पास चार हिंड जॉइंट और जो आपके होते हैं ना फोर लिम्स और हाइंड जिम्स है ना लिम्स, तो वो टेट्रापोड कंडीशन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास चार चीज़ें हैं ना, जिसमें हमने दो को हैंड में कन्वर्ट कर लिया और दो हमारी लेग्स हैं, ठीक। एक्सटर्नल स्केलेटन इज एबसेंट, स्किन इज मॉइस्ट एंड एक्ट हैज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, बॉडी इज डिवाइडेड टू हेड एंड ट्रंक, एक्सटर्नल एयर इज एबसेंट, इंटरनल एंड मिडल एयर आर प्रेजेंट, डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट विच टर्मिनेट इन टू क्लोएका, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स आल्सो टर्मिनेट इन टू क्लोएका। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड विदाउट टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल।
तो यहाँ पर जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड हो गया एम्फीबिया के अंदर। दे आर कोल्ड ब्लडेड यूनिसेक्सुअल एनिमल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेटामॉर्फोसिस, एग्जाम्पल फ्रॉग, सेलमेंडर एंड इक्थियोफिस। देखो आप ज़्यादा उसमें ज़्यादा फास्ट हो रहा है या ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप रिविज़न कर सकते हो जो मेरे डिटेल स्ट्रक्चर है, जो आप प्ले लिस्ट है आप उसमें जाके जो जोलॉजी और बॉटनी की जो वीडियोज़ है वहाँ देख सकते हो चैप्टर वाइज, राइट। यहाँ तो हम सिर्फ रिविज़न कर रहे हैं फटाफट, हमने मेन हमारा फोकस होना चाहिए एम सी क्यू के ऊपर। तो विच एनिमल इज इंक्लूडेड इन द एम्फीबिया, टेट्रापोडा और लिम्बलेस, इक्थियोफिस, राइट। इन फ्रॉग विच ट्रैक्ट टर्मिनेट इन टू क्लोइका, ए बी सी एंड ऑल, डाइजेस्टिव, एस्किटी और रिपोर्टिव, ये सारे के सारे इसमें खुलते हैं क्लोइका के अंदर। विच एनिमल पोजेस द थ्री चैम्बर्ड हार्ट, सेलेमेंडर, और इसके अलावा कौन है, अभी हमने बात की थ्री चैम्बर्ड किसमें मिल रहा है हमको, जो जितने भी इस एम्फीबिया के अंदर आएंगे उन कैटेगरी के अंदर, राइट। तो थ्री चैम्बर्ड हमें कहाँ, यहाँ पर क्या, सेलेमेंडर। विच एनिमल क्लास एग्जिबिट द मेटामॉर्फोसिस ए एंड बी, एम्फीबिया और आर्थ्रोपोडा दोनों के अंदर हमें मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेप्टीलिया। तो रेप्टीलिया रिप्रेजेंट द फर्स्ट क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट फुली अडॉप्टेड फॉर लाइफ ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, राइट। दे लोकोमोट बाय क्रॉलिंग, दे आर कार्निवोरस कोल्ड ब्लडेड एनिमल, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, मतलब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चलता है टेम्परेचर। तो एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ एपिडर्मल स्केल्स एंड स्किन इज ड्राई, लिम्स आर यूनिफॉर्म, शॉर्ट विद क्लॉज, लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, पिन्ना एब्सेंट, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, टू ऑरिकल एंड वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, इन क्रोकोडाइल हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, किडनी इज प्रेजेंट। तो ये याद रखें क्रोकोडाइल में चार होते हैं बाकी में थ्री हैं। किडनी इज प्रेजेंट, हैज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यूरिक एसिड इज रिलैक्सड, हैज एन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, दे आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इन एनिमल्स, एग्जाम्पल कैमलियन, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्लोट्स, वॉल लिजर्ड्स, राइट। इसकी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, विच इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ द वर्टिब्रेटा फुली अडॉप्टेड फॉर द लाइफ ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एग्जाम्पल है रेप्टीलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास एनिमल आर पिक्लियोथर्मिक, बी एंड सी, ई बी एंड सी, रेप्टीलिया एंड एम्फीबिया, ये कैसे होते हैं पिक्लियोथर्मिक। विच रेप्टीलिया पोजेसिस फोर चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल। विच एनिमल रिलीज एन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, यूरिक एसिड, ए बी सी एंड, चैमलियन या कैमलियन, टर्टल और स्नेक। विच एनिमल लैक पिन्ना, ऑप्शन सी टर्टल, तो इनमें पिन्ना नहीं मिलते, पिन्ना जैसे हमारे कान बाहर वाला जो होता है एक्सटर्नल पार्ट जो होता है वो नहीं होता। अब बात करते हैं ईव की, बर्ड्स की। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, फोर पार्ट में। जॉ इज मॉडिफाइड इनटू बीक एंड टीथ आर एबसेंट, तो यहाँ पर जो जॉज है वो मॉडिफाइड हो गए बीक फॉर्म में और टीथ क्या हो जाते हैं यहाँ पे एबसेंट। फोर लिम मॉडिफाइड इनटू विंग फॉर फ्लाइंग, फीदर स्केल्स, बीक, क्लॉज एक्ट हैज एक्सटर्नल स्केलेटन, बोन ऑफ द इंटरनल स्केलेटन आर पोरस एंड हॉलो विच हेल्प फॉर फ्लाइंग। द डाइजेस्टिव ट्रैक्स एज क्रॉप एंड गिजार्ड, हार्ट इज फोर चैम्बर्ड एंड एओर्टिक आर टर्न टुवर्ड राइट साइड, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू लंग्स एंड एयर सैक्स, एसोसिएट विद लंग्स, हेल्प इन फ्लाइंग। दे आर फर्स्ट वर्टिब्रेट विच आर वार्म ब्लडेड, राइट। एनिमल आर यूनिसेक्सुअल, शोज इंटरनल फर्टिलेशन एंड डायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब यहाँ लार्वा की फॉर्म नहीं होगी। दे आर ओविपेरस एनिमल्स, एग्जाम्पल है पिजन, क्रो, पी फाउल, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं आपके, ईव के अंदर। तो कई बार आपसे पूछता है कि पेंगुइन किस में आते हैं, तो इस चीज़ को याद रखना, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, पी फाउल, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ईव के अंदर, बर्ड्स के अंदर। कई बार आप गलत करते हो, ये पेंगुइन वाला कई बार पूछा गया कि किस में आता है, तो आप लिख देते हो मैमल, मैमल में नहीं आता, ये मैमेलिया कैटेगरी में नहीं है, किस में आता है, बर्ड्स के अंदर। तो विच आर फर्स्ट वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल्स, तो यहाँ मैं डॉट लगाना भूल गया हूँ, तो आपसे स्विम कर लें, तो ये नीचे आंसर दिए हुए हैं, तो आंसर आपका है डी, ए और बी, ऑस्ट्रिच एंड पिजन और पीकॉक एंड क्राउ। तो कह रहा वार्म ब्लडेड कौन कौन से, ऑस्ट्रिच, पिजन, पीकॉक, क्रो, जबकि रैट और डॉल्फिन कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, राइट। तो आंसर क्या है इसका, सिर्फ ए और बी। विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ईव, तो कौन सा स्ट्रक्चर नहीं मिलता हमें ईव के अंदर, तो ऑप्शन इसका है डी, ए बी सी एंड, ना टीथ होते हैं, यूरिन ब्लैडर भी नहीं होता, स्टमक भी नहीं होता, राइट। किसमें नहीं मिलते हमें, डाइजेस्ट सिस्टम में ना स्टमक होता है, ना यूरिन ब्लैडर होता है, ना ही टीथ होते हैं। वॉट इज द फंक्शन ऑफ ईयर सैक, तो ये किसमें हेल्प करते हैं आपके, ऑप्शन क्या है इसका, 103 का डी, ए और बी, फ्लाइंग और स्विमिंग। ये चीज़ रखना कि जो एयर सैक्स होते हैं वो फ्लाइंग और स्विमिंग दोनों में, है ना, फ्लाइंग और स्विमिंग, तैरने में और उड़ने में, दोनों में ये हेल्प करते हैं। विच स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट द क्लास ईव फॉर फ्लाइंग, डी ऑप्शन का सही है। तो हमारे ईव किस में क्या क्या हेल्प कर रहे हैं, ए बी सी, फोर लिम मॉडिफाइड इनटू विंग्स, एयर सैक्स, एंडोस्केलेटन आर
पोरस एंड हॉलो। तो इंपॉर्टेंट क्लास ईव में क्या क्या मिल रहा है, क्या वो कहता है विच स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट इन द क्लास ईव, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, एयर सैक्स मिलना चाहिए, फोलम्स मिलना चाहिए जो विंग्स में कन्वर्ट हो, एंडोस्केलेटन वो पोरस होना चाहिए और हॉलो होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लास मेमेलिया की। दे पोजेस मेमोरी ग्लैंड सो नोन एज ए मेमेलिया राइट, दे आर फाउंड इन द ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट। एक्सटर्नल स्केलेटन इंक्लूड हेयर ऑन बॉडी, हॉर्न्स, हूफ एंड नेल्स। टू पेयर ऑफ द लिम्स आर प्रेजेंट विच आर यूज इन द लोकोमोशन। एक्सटर्नल ईयर डेवलप हैज ए पिन्ना। दे पोजेस फोर टाइप ऑफ द टीथ, ये याद रखने, कैनाइन, इनसीजर, प्रीमोलर एंड मोलर। परमानेंट टीथ डेवलप आफ्टर द मिल्क टीथ ड्रॉप, जैसे गिर जाएंगे तो परमानेंट टीथ आ जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट, हार्ट इज फोर चैम्बर्ड एंड एओर्टिक आर्क टर्न टुवर्ड लेफ्ट साइड। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू लंग्स, दे आर वार्म ब्लडेड, दे आर यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड शोज डायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यूजली वीवीपेरस एनिमल्स, प्लैटिपस इज ओवीपेरस। सिर्फ प्लैटिपस जो होता है, कंगारू जिसे कहते हैं, वो ओवीपेरस है। एग्जाम्पल कैंगरू, रैबिट, रैट, एलिफेंट, डॉल्फिन, वेल, बैट, ये सारे के सारे किस में आते हैं, मेमेलिया। फिर से याद कर लें, कैंगरू, रैबिट, रैट, एलिफेंट, डॉल्फिन, वेल, बैट, ये सारे के सारे किस में आते हैं, मैमल कैटेगरी में। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच क्लास एक्सटर्नल ईयर डेवलप इन पिन्ना, मेमेलिया राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, प्लेटिपस ओवीपेरस होती है। इन विच क्लास सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप एंड एओर्टिक आर्टर्न टुवर्ड लेफ्ट, मेमेलिया। हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन द मेमेलिया, फोर टाइप। व्हाट इज द प्रेजेंट हैज एक्सटर्नल स्केलेटन इन द मेमेलिया, ए बी सी एंड ऑल, नेल एंड हूफ, हेयर्स एंड हॉर्न्स। विच मेमेलियन अडेप्टेड फॉर एरियल लाइफ, बैट। विच क्लास ऑफ टेट्रापोड इंक्लूड दी होम्योथर्मिक एनिमल्स, मेमेलिया में ईव्स जो है राइट। नेक्स्ट विच एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द मेमेलिया, ए बी एंड सी ऑल, डॉल्फिन, प्लेटिपस और वेल। ये सारे सारे किस कैटेगरी में आते हैं, डॉल्फिन, प्लेटिपस और वेल। याद रखना डॉल्फिन फिश कैटेगरी, ईव कैटेगरी में नहीं आती, मेमेलिया कैटेगरी में आती है। अब थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो हमारा किंगडम एनिमेलिया था, एनिमेलिया कैसा है, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक है राइट। उसको आगे हमने दो पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड किया, मीजोजोआ, पैराजोआ और एंटेरोजोआ। मीजोजोआ में नो टिश्यू, बॉडी कंप्राइजिंग एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ द सिलेटेड सेल्स, माइन्यूट बॉडी, वर्म लाइक पैरासाइट ऑफ द मेराइन फाइलम मीजोजोआ, एग्जाम्पल डिक्सीमिया। उसके बाद पैराजोआ नो टिश्यू, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट कॉल्ड स्पॉन्जेस, फाइलम पॉलीफेरा, एग्जाम्पल है ल्यूकोसलोनिया, साइकॉन। एंटेरोजोआ और यूमेटोजोआ टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल है ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ठीक। यूमेटोजोआ का अगर दो पार्ट में डिवीजन करते हैं, डिवीजन रेडिएटर और बाइलेटर, ये सिमेट्री के बेसिस पर डिवाइड किया गया है ठीक है। तो यहाँ पर जो हुआ ये सेल के बेसिस पर किया गया है राइट, यहाँ किया हमने सिमेट्री के बेसिस पर। तो बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलम नीडेरिया, सिलेंडेटा, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल हाइड्रा, फाइलम टीनोफोरा, एग्जाम्पल ठीक। तो डिवीजन बायलेटरिया को बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सब डिवीजन इसके तीन हमारे पास, ए सिलोमेटा, सूडो सिलोमेटा और यू सिलोमेटा। इसमें नो सिलोम फैलम है प्लैटिनमंथीज, एग्जांपल है फैसिकोटा और टीनिया। सूडो सिलोम में फैलम नीमेटेहेलमेंथीज, एग्जांपल है एस्केरिस। और सब डिवीजन यू सिलोमेटा, टू सिलोम जिसमें होती है, दो है इसमें, साइजोसिलोमेट और इंटरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट सिलोम डेवलप फ्रॉम द सॉलिड मेसोडर्म्स, फाइलम एनेलिडा, एग्जांपल अर्थवर्म, फाइलम आर्थ्रोपोडा, एग्जांपल कॉकरोच, फाइलम मोलस्का, एग्जांपल पाइला। सिलोम डेवलप फ्रॉम द एंट्रिक पाउचेस, फाइलम एकोडर्मेटा, स्टारफिश, फाइलम हेमिकोडेटा, ब्लानोग्लॉसिस और फाइलम कॉडेटा राइट। तो जो कॉडेटा फाइलम है उसको आगे हमने तीन सेफाइलम में डिवाइड किया, यूरोकॉडेटा, सेफेलोकॉडेटा और वर्टिब्रेटा। एग्जांपल हर्डवानिया, यहाँ एम्फियोकस है सेफेलोकॉडेटा का, वर्टिब्रेटा को आगे दो पार्ट में, दो सेक्शन में डिवाइड किया, ग्नेथो और ग्नेथो। ये जॉ के बेसिस पर डिवाइड किया, यहाँ जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, जॉड वर्टिब्रेट्स होते हैं। एग्जाम्पल क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, एग्जाम्पल है पेट्रोमाइनस और माइक्जीन, क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी, सेफेलेस्पी और टेरेप्सी, और जॉज वर्टिब्रेट सुपर क्लास पाइसिस और सुपर क्लास टेट्रापोडा। ये ट्रू फिशेज होती हैं, क्लास प्लैकोडर्मी, कॉन्ट्राइस्थिस और ऑस्ट्राइस्थिस। ऑल फॉसिल्स हैव प्रोटेक्टिव बोनी स्केल्स प्लेट्स, एग्जाम्पल बोथ रियोफिलस और पॉन्ड्री।
और कॉन्ट्रास्टिस में कार्टिलेज फिशेज आती हैं, स्कॉलोडॉन एग्जाम्पल है। ऑस्टेसिस में फिशेज आती है लेबियो, बोनी फिशेज होती हैं सारी की सारी, और ये होती है कार्टिलेजनस। तो टेट्राप्रोडा के अंदर टिपिकली चार लिम्स वाले होते हैं, जो एम्फीबिया, रेप्टीलिया और ईप्स, तो और मेमेलिया। तो उसमें आते हैं यूरियोटाइफिलस सेलेमेंटर फ्रॉग, रेप्टीलिया में टॉर्टॉइज, लिजर्ड्स और स्नेक्स, ईव्स, बर्ड्स और रैट और मैन। तो थैंक यू सो मच, आज हमने अपना चौथा टॉपिक कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम को कंप्लीट किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बार बार देखें, नो डाउट हम बहुत जल्दी करें लेकिन सिलेबस ही बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच।